नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों एक और नया इन्फॉर्मेशन मैं लेके आया दोस्तों, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों चंडीगढ़ पुलिस की से रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों उसी के बारे में बात करेंगे कि चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा 2023 में दोस्तों यहाँ पे कॉन्स्टेबल की एक वैकेंसी जारी की गई, उसी से संबंधित दोस्तों यहाँ पे पीईटी और पीएसटी जो है उसका या आप बोल सकते हैं फिजिकल जो एग्जामिनेशन होने वाला है दोस्तों, फिजिकली टेस्ट की बात कर लेते हैं, वो दोस्तों होने वाला है। और उसके दोस्तों एडमिट कार्ड यहाँ पे या बोल सकते हैं कि फिजिकल का जो है शेड्यूल यहाँ पे निर्धारित कर दिया गया है किसके द्वारा, चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा। तो क्या है उसका फिजिकल होने वाला है दोस्तों, कब से फिजिकल स्टार्ट होने वाला है, सारी डिटेल में वीडियो में बात करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। यदि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा लें, और साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें क्योंकि उसकी ऐसी ही पीडीएफ साथ ही दोस्तों आपकी तैयारी को बेहतरीन करने वाले अन्य क्लासेस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही दोस्तों वीडियो के कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आज बात कर रहे हैं पीईटी और पीएसटी जो दोस्तों यहाँ पे चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा यहाँ पे डेट जारी की गई कॉन्स्टेबल की। दोस्तों इससे पूर्व यहाँ पे लिखित परीक्षा कंडक्ट करवाई जा चुकी है किसके द्वारा, यहाँ पे चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा, उसकी आंसर की भी जारी कर दी गई। वो कहाँ से देखेंगे दोस्तों, सारी डिटेल में आज डिस्कस करने वाला हूँ कि सारी डिटेल पे कि कहाँ से उसका जो एडमिट कार्ड देखेंगे दोस्तों, साथ ही उसकी जो आंसर की कहाँ से हम देख सकते हैं, साथ ही जो भी नई इन्फॉर्मेशन आती है चंडीगढ़ पुलिस से संबंधित वो आप कहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, वो सारी डिटेल में हम यहाँ पे बात करने वाले। तो चलते हैं वीडियो पे और दोस्तों यहाँ पे देखते हैं ये नोटिस किसके द्वारा, चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा जारी किया गया। दोस्तों ये नोटिस कहाँ से ये प्राप्त कर सकते हो दोस्तों, इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन वो भी मैं आज बताने वाला हूँ डिटेल में कि नोटिस आया कहाँ से। तो ये दोस्तों चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया दोस्तों, यहाँ पे बात बताया गया कि फिजिकली इफिशियंसी और मेजरमेंट टेस्ट दोस्तों पीईटी बात करते हैं, पीईटी और पीएमटी दोस्तों, पीईटी और पीएमटी एंड फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट एंड मेजरमेंट, जो फिजिकल इफिशियंसी और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे दोस्तों रिक्वायरमेंट ऑफ 700 पोस्ट कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव विल द कॉमेंस ऑफ 18/9/2023 ऑनवर्ड। दोस्तों यहाँ पे 18/9 मतलब 18 सितंबर 2023 से यहाँ पे दोस्तों 700 जो पद कॉन्स्टेबल के निकाले गए थे चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा उनके यहाँ पे फिजिकल होने वाले हैं। और दोस्तों बताया गया है कि अदर डिटेल्स विल बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स। दोस्तों और भी जो इन्फॉर्मेशन है उसी से संबंधित यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी चंडीगढ़ पुलिस के उसके जो वेबसाइट है वहां से। तो कहाँ से दोस्तों, वेबसाइट से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पे एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी जो चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा जारी की गई, फिजिकल इफिशियंसी एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है दोस्तों यहाँ पे रिक्वायरमेंट 700 पदों के लिए निकाली गई थी कॉन्स्टेबल की, जिसमें दोस्तों यहाँ पे रिटर्न एग्जाम कम्प्लीट हो चुका है। और बात कर ले यहाँ पे फिजिकल दोस्तों 18 सितंबर से बात कर सकते हैं, 18 सितंबर से यहाँ पे फिजिकल की डेट यहाँ पे निर्धारित कर दी गई, 18 सितंबर की बात हो रही दोस्तों, 18 सितंबर से यहाँ पे क्या है फिजिकल की डेट निर्धारित की गई है चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा। तो दोस्तों यदि इस क्लास की पीडीएफ चाहिए या दोस्तों कह सकते हैं कि इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर सर्वोत्तम अकेडमी के नाम से आप सर्च कर सकते हो, या तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हो दोस्तों सर्वोत्तम अकेडमी के नाम से, जिनका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप टेलीग्राम चैनल को और साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम से हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं फिजिकल में क्या डिटेल है, फिजिकल क्या क्या होने वाला है। तो यह बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड दो फिजिकल एंडोरमेंट एंड मेजरमेंट टेस्ट जो है पीईटी पीएमटी की बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों, पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा। बात करते हैं इसमें रेस कितनी होती है, दौड़ दौड़ की बात कर लेते हैं दोस्तों, दौड़ कितनी होने वाली है। तो दौड़ की बात करते हैं तो डिस्टेंस यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे 1600 मीटर होने वाली है, और फीमेल जो कैंडिडेट है दोस्तों यहाँ पे 800 मीटर होने वाली है, मतलब जो पुरुष प्रतिभागी है दोस्तों उनके लिए 1600 मीटर की, और जो महिला प्रतिभागी है उनके लिए दोस्तों 800 मीटर की यहाँ पे रेस होने वाली है। अभी एज का क्राइटेरिया दिया है, यदि आपकी एज 18 से 30 वर्ष के बीच है तो आपको यहाँ पे 6.5 मिनट दोस्तों यहाँ पे 6 से 1 मिनट यह बात कर सकते हैं 6.30 जो मिनट है यहाँ पे निर्धारित की गई है उनको सेकंड्स में काउंट कर सकते हैं आप, 375 सेकंड्स हो गई। बात करते हैं आपकी यदि एज 30 से 35 साल के बीच में है तो आपको 7 मिनट का समय दिया जाएगा, यदि आपकी एज 35 से 40 साल है तो दोस्तों यहाँ पे आपको 7.25 मिनट बात कर सकते हैं, 7 मिनट और 15 सेकंड का यहाँ पे समय दिया जाएगा।
लेकिन यदि आपकी 40 से 50 साल के बीच एज है तो यहाँ पे आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा, मतलब 600 सेकंड्स आपको यहाँ पे दी जाएगी। किसके लिए यहाँ पे? दौड़ के लिए बात हो रही है। यहाँ पे बात करते हैं लॉन्ग जंप की दोस्तों, यहाँ पे लॉन्ग जंप की बात कर लेते हैं। लॉन्ग जंप की मतलब लंबी जंप है, लंबी जंप की बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। तो लॉन्ग जंप की बात करते हैं यहाँ पे, ये रेस केवल ओनली क्वालिफाइंग मार्क है यहाँ पे, क्वालिफाइंग मार्क। जबकि लॉन्ग जंप की बात कर ले, क्वालिफाइंग इन दोस्तों यहाँ पे 3 अटेम्प्ट आपको, लॉन्ग जंप के लिए 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। लॉन्ग जंप क्या है इसकी डिस्टेंस बात कर लेते हैं, मेल कैंडिडेट के लिए 3.95 मीटर होने वाली है और फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या होने वाली है, 2.74 जो मीटर है वो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए 3.95 मीटर। और बात कर लेते हैं दोस्तों आप, यदि आपकी उम्र उम्र वही सो दोस्तों, जैसे रेस में दिया गया कि 30 से 40 साल, 18 से 30 है तो आपको 6.5 मिनट का समय दिया जाएगा। यदि 30 से 35 साल के बीच है 7 मिनट का समय रेस में दिया जाएगा और 35 से 40 है तो 4.5 साल या बात कर 7.25 मिनट का समय दिया जाएगा। और दोस्तों 40 से 45 साल के बीच है तो आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे भी दोस्तों, यहाँ पे लॉन्ग जंप की बात कर लेते हैं, उसी में भी 18 से 30 है तो आपको 3.95 मीटर और महिला को वही सेम 2.74 मीटर। यदि आपकी उम्र 30 से 35 साल के बीच है तो यहाँ पे आपको थोड़ी यहाँ पे छूट प्रदान की जाती है 3.80 मीटर की और यहाँ पे महिला को 2.60 मीटर। इसी प्रकार यहाँ पे रेस का क्राइटेरिया, दौड़ का क्राइटेरिया दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग जंप और हाई जंप का एज के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है। हाई जंप की बात कर लेते हैं दोस्तों, ऊंची कूद की बात कर लेते हैं, ये लंबी कूद होगी या ऊंची कूद की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हाई जंप 3 अटेम्प्ट आपको दिए जाएंगे। यदि 3 अटेम्प्ट आप लॉन्ग जंप और हाई जंप को क्लियर करते हो तो ठीक है नहीं दोस्तों आपको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बात करते हैं मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे फिजिकल क्या होने वाला है, 1.14 मीटर हो गई दोस्तों यहाँ पे हाई जंप आपकी 1.14 मीटर। और फीमेल कैंडिडेट के लिए बात कर ले करते हैं 0.9 मीटर यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए होने वाली जनरल दोस्तों। अब वही एज की क्राइटेरिया 18 से 30 साल के है तो 1.14 मीटर होगी और यहाँ पे महिला की बात कर लेते हैं तो 0.90 मीटर यहाँ पे होने वाली है। वही दोस्तों यहाँ पे 30 से 35 साल है तो आपको थोड़ा कुछ छूट प्रदान किया जाएगा, फिर 35 से 40 में छूट प्रदान की जाएगी और फिर 40 से 45 यदि आपकी एज है तो छूट यहाँ पे प्रदान की जाएगी दोस्तों। इस प्रकार यहाँ पे ये किसका था, रेस का हो गया, लंबी कूद का हो गया और ऊंची कूद का यहाँ पे मेजरमेंट हो गया। बात करते हैं अब हाइट की, तो हाइट क्या होनी चाहिए दोस्तों, आपकी हाइट ये दोस्तों ऑफिशियली यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ये ऑफिशियली आदेश है दोस्तों यहाँ क्या है, ऑफिशियली आदेश है जो चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया। एज रिलैक्सेशन है यहाँ पे दोस्तों प्रदान की गई अलग अलग कैटेगरीज में, हिल एरिया को यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की और दोस्तों यहाँ पे जो वार्ड है पुलिस जो पर्सनल है वहाँ पे उनको 5 सेंटीमीटर की यहाँ पे छूट का क्राइटेरिया यहाँ पे प्रदान किया गया। बात करते हैं नॉर्मल जो एज हाइट का क्राइटेरिया 170 यहाँ पे सेंटीमीटर होने वाला है और फीमेल के लिए यहाँ पे 157.5 सेंटीमीटर यहाँ पे होने वाला है दोस्तों। मेल के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर यहाँ पे होने वाला है दोस्तों। कुछ इस प्रकार यहाँ पे रेस, लंबी कूद, ऊंची कूद और हाइट की यहाँ पे बात कर ली, ऊंचाई की बात कर ली है दोस्तों। यहाँ पे हाइट की बोल सकते हैं या दोस्तों ऊंचाई की बात कर लेते हैं या बोल सकते हैं कद आपका कितना बड़ा है दोस्तों, उस आधार पे यहाँ पे अब आगे इसकी डिटेल हम यहाँ पे देखते हैं आगे। और क्या इसमें दोस्तों यहाँ पे मेजरमेंट किया गया चेस्ट का दोस्तों, यहाँ पे चेस्ट का मेजरमेंट किसके द्वारा किया गया है, यहाँ पे चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा किया गया। और चेस्ट का मेजरमेंट क्या कहता है दोस्तों यहाँ पे कि चेस्ट कितनी होनी चाहिए, जनरली चेस्ट यहाँ पे बात करते हैं चेस्ट यहाँ पे या बोल सकते हैं आपकी छाती दोस्तों यहाँ पे नॉर्मल और दोस्तों फ्लावर एक्सपेंडेड और अनएक्सपेंडेड दोनों यहाँ पे कैटेगरी बताई गई है। तो यहाँ पे 84 से 88 सेंटीमीटर यहाँ पे नॉर्मल होनी चाहिए दोस्तों यहाँ पे। और इससे यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे क्या है, अलाउ नहीं है ये चेस्ट, चेस्ट ओनली मेल कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए क्या है दोस्तों अलाउ है चेस्ट, किसके लिए, मेल कैंडिडेट के लिए। जिसमें यहाँ पे जनरल के लिए दोस्तों नॉर्मली जो जनरल है उनको यहाँ पे 84 से 88 सेंटीमीटर है वो होनी चाहिए। बात करते हैं चेस्ट में रिलेक्शन अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पे प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे देख ले रेजिडेंटल ऑफ नोटिफाइड हिल एरियाज दोस्तों 79 से 83 यहाँ पे सेंटीमीटर हो जाती है और 79 से 83 दूसरी जो पुलिस पर्सनल कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे एज
हाइट या चेस्ट दोस्तों दोनों में यहाँ पे छूट प्रदान की गई दोस्तों। इस प्रकार ये फिजिकल का था दोस्तों। यदि रेगुलर आप फिजिकल की तैयारी करते हो तो निश्चित ही दोस्तों आपके फिजिकल यहाँ पे तैयार हो जाता है। और दोस्तों जिनका सपना है वर्दी प्राप्त करने का, तो दोस्तों उनको निश्चित ही दोस्तों ये क्राइटेरिया कम्प्लीट कर ही लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, निरंतर मेहनत करिए जिससे निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, एक नई ऊंचाइयों को आप यहाँ पे छुएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखते हैं ऑफिशियल आदेश के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे देख लिया क्या फिजिकल होने वाला है। और दोस्तों फिजिकल कब से स्टार्ट होने वाले हैं, 18 सितंबर यहाँ पे दोस्तों कब से होने वाले हैं, 18 सितंबर से यहाँ पे फिजिकल होने वाले हैं आपके। 18 सितंबर यहाँ पे डेट जारी की गई। जैसे ही दोस्तों एडमिट कार्ड यहाँ पे अपलोड होते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा ले जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके दोस्तों। बात करते हैं ये नोटिफिकेशन कहाँ से दोस्तों, ये गूगल पे आप सर्च करोगे चंडीगढ़ पुलिस के नाम से तो चंडीगढ़ पुलिस की वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी, chandigarhpolice.gov.in की संबंधित वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। आप चंडीगढ़ पुलिस की दोस्तों मुख्य वेबसाइट को यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे इसमें एंटर हो सकते हो। जैसे ही आप एंटर होगे तो दोस्तों इस प्रकार का कुछ यहाँ पे डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा, जो चंडीगढ़ पुलिस की मुख्य वेबसाइट हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। इसमें आप दोस्तों रिक्वायरमेंट जो डिटेल है यहाँ पे, रिक्वायरमेंट डिटेल का ये ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे रिक्वायरमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आप कॉन्स्टेबल की रिक्वायरमेंट से संबंधित यहाँ पे देख सकते हो, कॉन्स्टेबल से संबंधित दोस्तों। और जैसे इसको क्लिक करोगे आपके सामने एक नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट 2023 से संबंधित यहाँ पे डिटेल्स शो हो जाएगी। जैसे इस 2023 वाले लिंक को क्लिक करोगे तो आपके पास एक दोस्तों नया पोर्टल खुल जाएगा, जिसमें इसके बारे में संबंधित पूरी डिटेल दी गई है, रिक्वायरमेंट कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे दोस्तों ये एग्जाम आपका हो चुका है, जिससे संबंधित यहाँ पे आंसर की सेट 1, B, C और D के यहाँ पे सेट उपलब्ध करवाए गए हैं दोस्तों। विभिन्न विभिन्न अलग अलग डेट पे यहाँ पे आपके एग्जाम हुए हैं तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट पेपर और दोस्तों उसके आंसर के यहाँ पे उपलब्ध करवाई गई। बात करते हैं रिजल्ट और रिटर्न टेस्ट रिक्वायरमेंट 700 पोस्ट ऑफ कैंडिडेट एलिजिबल। और यहाँ पे दोस्तों न्यू में क्या आया है दोस्तों, पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग PET एंड PMT रिक्वायरमेंट 700 पुलिस कॉन्स्टेबल यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे दोस्तों एग्जाम डेट निर्धारित की गई है 18 सितंबर 2023 से। यहाँ पे क्या है फिजिकल की डेट निर्धारित की गई, जिसमें दोस्तों यहाँ पे फिजिकल होने वाला है। जैसे ही दोस्तों फिजिकल के कॉल आपके आते हैं दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उपलब्ध करवा दी जाएगी कि कब से आपके फिजिकल है, मतलब 18 तारीख से तो फिजिकल है और दोस्तों किस टाइम पे क्या उसका शेड्यूल रहने वाला है दोस्तों, किस कब से एडमिट कार्ड आप निकाल सकते हो प्रिंट आउट, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों चैनल पे नहीं है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो पर नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर को भी हमें फॉलो कर सकते हो दोस्तों। यदि वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।